मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई होप सब आप मजे में होंगे। सो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था मैंने आप सबको, टीवीएस हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट में। तो ईवीएस में क्या होता है, ईवीएस मतलब जनरल नॉलेज का एक पार्ट है। आपके आसपास आपके आपको क्या दिखाई देता है, आप कौन सी एक्टिविटीज करते हो, आपके आसपास होने वाली हर चीज वो सब ईवीएस में इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ईवीएस का हमने देखा था लास्ट टाइम कि सबसे पहले आपका बेसिक क्या है ईवीएस का, वो आता है सबसे पहले आपका बॉडी, जो आपकी बॉडी है वो उसमें सबसे पहले बॉडी पार्ट्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि बॉडी पार्ट कौन से होते हैं, आपने मुझे अच्छी तरह से बताया भी था, आंसर भी किया था कि बेसिक में आपको क्या क्या आता है। जिसकी कुछ मुझे बताया था हेड, नोज, ईयर्स, आर्म्स, मैंने बताया आपको, आपने मुझे बताया भी था कि हाँ हाँ ये मुझे हमको पता है। तो हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे आज कि कौन से बॉडी पार्ट हमने देखे थे और फिर उसके फंक्शन में आपको आज डिटेल बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट हेड है ना, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, हेड। फिर आई, ईयर, नोज, माउथ, टीथ, आर, हैंड, लेग्स एंड फीट, ये सारे बॉडी पार्ट। तो उसमें सबसे पहले आपका हेड, जो आपका उसका हम सीख रहे हैं। तो हेड जो है वो हेड जो आपका मेन बॉडी पार्ट है, जहाँ से आप सारा आपके बॉडी का फंक्शन ऑपरेट होता है। तो जो हेड है वो आपको भी चीज आपको कोई पूछेगा हाँ या ना, बोला सीधी लाते हो है ना, मूविंग कर दो, तो हेड जो होता है आपको आंसर ही करने के लिए यूज कर सकते हो बिना माउथ के। तो उसमें आई, हेड में कौन सी सबसे पहली चीज आती है, आपकी आंखें, आई जो आपको आप जिससे देख सकते हो, यू कैन सी एनीथिंग। ईयर, ईयर जो है जिससे आप सुन सकते हो, जो भी कुछ बोलेगा, कोई सॉन्ग होगा वो आपको ईयर से स्मेल देगा। नोज, जो नोज है आपको वो स्मेल करने में यूज होता है, कोई भी चीज आपको स्मेल करनी है तो उससे आप नोज से स्मेल कर सकते हो। माउथ, माउथ से क्या करोगे, आप खाना खाते हो ना, एक्चुअली खाना खाना का जो खाना ईटिंग होता है वो माउथ से होता है। टीथ, टीथ जो होता है वो क्या करता है, जो आप खाना खाते हो उसको चबाने के लिए हेल्प करता है। टीथ नहीं होंगे तो आप कैसे फूड ईटिंग कर पाओगे, तो टीथ वो यूजफुल है। आम, आपके आम, तो आम जो है वो आपका कोई चीज आप होल्ड करोगे तो उसको मतलब कैच करने के लिए, उसको वजन उठाने के लिए आम आपके यूजफुल है। हैंड, हैंड आपका पूरा हाथ, जो हैंड है वो आपको कोई है चीज हैंडल करनी है, पकड़नी है, तो उसके लिए हैंड यूज होता है। फिर लेग्स, आपके पैर, जो आपको चलने में है ना, जैसे मैं आपको मूविंग करके बता रही हूँ, मूवमेंट करने के लेग यूज होते हैं, आप जंप करते हो, जंपिंग करने के लिए लेग यूज होते हैं। फिर है फीट, आपके पैर, पैर के पंजे, फीट जो आप टैप टैप करने के लिए कुछ भी चीज टैप करते हो उसके लिए फीट यूजफुल होते हैं, पैर की आपकी उंगलियां वो फीट में आती है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स है इतने सारे, तो आपको उसी तरह से उसका फंक्शन भी आना चाहिए। जो आपका फर्स्ट लेसन जो आपको इसमें दिखाई दिया है वो उसी बेस पे है, आपको एक्टिविटी सॉन्ग दिया है, इसमें दिया है क्लैप 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 पार्ट, जो वो एक्टिविटी सॉन्ग में आपको क्या दिया है कि आपको क्लैपिंग किससे करते हो बच्चों, क्लैपिंग आप अपने हाथ से करते हो, फिर टैप पैर से करोगे, हॉप जंपिंग वाला, फिर स्टॉप मतलब स्टॉप करना है किसी को तो हाथ से ही स्टॉप कर सकते हैं। तो ये वाली पॉइंट जो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ तो आपको उसको अच्छी तरह से समझनी है। क्लैप क्लैप क्लैप, टैप टैप टैप, हॉप 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 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जंप जंप जंप, रन रन रन, क्लैप 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 एंड क्लैप क्लैप क्लैप। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है कि जो क्लैपिंग वाले पोर्शन आप हाथ से कर सकते हो, हॉपिंग वाला, स्टॉपिंग वाला, फिर जो जंप है वो पैर से करते हैं, रनिंग भी आप पैर से करेंगे और फिर क्लैपिंग करेंगे वो हाथ से। तो जो ये आपको पोएम दी गई है, पोएम आपके बॉडी पार्ट के बेस पे है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि आपको बॉडी पार्ट अच्छी तरह से आनी चाहिए। जब आपको बॉडी पार्ट आएगी तभी आप इस पोएम को भी समझ सकोगे। तो ये आपको पोएम जो है, आपके पास बुक है तो बुक में से
होता है ना उसको अच्छे तरह से डिवाइड करता है। तो होमवर्क में बच्चों क्या करोगे, यही बॉडी पार्ट्स जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे थे ना वही वाले आपको बॉडी पार्ट्स इसी तरह इसको आपको होमवर्क की नोट में भी लिखना है। जो नेक्स्ट है वो लेक्चर